मैं हूं अशोक वर्मा, आप देख रहे हैं TV20 न्यूज। मेरे साथ कई मेहमान मेरे स्टूडियो में हैं। मैं आप सबसे पहले आप लोगों को परिचय कराना चाहूँगा। मेरे बगल में हैं प्रेम प्रकाश राय जी, जो भाजपा के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं और बड़े कद्दावर नेता हैं, RSS के से जुड़े रहे। और मैं 30 साल से आपको जानता हूँ कि जब आप सगड़ी में दौड़ा करने जाते थे, क्योंकि मेरा घर भी वहाँ भी है। दूसरे सूर्य राय जी पहले कांग्रेस में थे, लेकिन अब भाजपा के नीतियों से प्रभावित होकर के आप भाजपा ज्वाइन कर लिए हैं। तीसरे हमारे भाई, बड़े भाई ब्रिजेश जी हैं, ब्रिजेश यादव जी, जो भाजपा नेता भी हैं और एक अच्छे ईमानदार छवि के मालिक हैं। और अमर उजाला, जागरण जैसे बड़े अखबार में बड़ी हैसियत में रहे हैं। तो मैं सबसे पहले अध्यक्ष जी से ही पूछना चाहूँगा, जो अब पूर्व अध्यक्ष हो चुके हैं, लेकिन आज भी आपका मार्गदर्शन जिले को मिलता है। भाजपा के लोग आज भी आपसे राय बात लेते हैं और आपका पूरा सहयोग पार्टी को रहता है, कि भाजपा किस मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है अध्यक्ष जी? भारतीय जनता पार्टी आज जो भी स्तर प्राप्त हुआ है, वो अपने रीति नीति पर ही प्राप्त हुआ है। भारतीय जनता पार्टी का मानना यह है कि जिस भी प्रकार से भारत की उन्नति हो, दुनिया में भारत का जो पुराना गौरव था वो प्राप्त हो, उसके लिए जो जो भी करना पड़े। अब निश्चित रूप से जानिए कि अनेक राजनीतिक दलों के रहते हुए भारतीय जनसंघ की स्थापना केवल इसलिए की गई कि राष्ट्रीय मुद्दे ओझल हो रहे थे। अनेक ऐसा अवसर आया जिस पर सदन के अंदर आवाज आनी चाहिए थी 52 में, या नेहरू जी के प्रथम मंत्रिमंडल में, जब अनेक राष्ट्रीय मुद्दे ओझल होने लगे संसद से लेकर विधानसभाओं में, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को यह विचार मन में आया कि एक राजनीतिक ऐसा दल रहे जो राष्ट्र की समस्याओं को राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में उठाता रहे। आप 3 साल यहाँ अध्यक्ष रहे हैं जी, आप वह कार्यकाल और आज के कार्यकाल में आपको क्या अंतर लग रहा है दल के लोगों के कार्यकाल में? नहीं, जैसे भाजपा मोदी साहब अमित साहब का नेतृत्व है, पहले अटल जी का नेतृत्व रहता था, आडवाणी जी का नेतृत्व रहता था, तो पुराने चेहरे और नए चेहरे में आपको क्या अंतर लग रहा है? देखिए, हमारे में तो एक गीत है कि पुरानी नींव नया निर्माण, भारतीय जनसंघ के कभी रूप में या आज भारतीय जनता पार्टी के रूप में हम अपने पुरानी नींव पर ही नया निर्माण कर रहे हैं। वो चाहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय रहे हों, चाहे हमारे परम आदरणीय लाल कृष्ण आडवाणी जी, चाहे परम श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो कुछ भी इन्होंने रास्ता प्रशस्त किया, बनाया, उसी रास्ते को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के चाहे आदरणीय मोदी जी हों, आदरणीय जोगी जी हों, अमित भाई शाह जी हों, माननीय जेपी नड्डा जी हों, ये सब पहले के बनाए हुए पंडित दीनदयाल उपाध्याय, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, इन्हीं के बनाए हुए सिद्धांत और रास्ते पर चल करके देश की उन्नति की सारी हमारी कहानी आगे बढ़ रही है। सूरज राय जी हमारे साथ हैं, पहले आप कांग्रेस में रहे हैं, अब भाजपा में हैं, आपको दोनों दलों में क्या अंतर लग रहा है और आप किस नीति की वजह से भाजपा में आए, और आप अपना जो विचार है थोड़ा सा उसको बताओ। कांग्रेस और भाजपा की नीति में ही फर्क रह गया है कि सिर्फ कांग्रेस एक परिवार की पार्टी बनकर रह गई है, और उसकी वजह से जो पार्टी का संगठन सिस्टम सब खत्म हो चुका है और उनकी जो सोच थी वह भी खत्म हो गई। इसलिए वह न समझ में जब नहीं आया कि ये लोग कुछ नहीं कर सकते, तब हम उस जगह पर आए जहां मोदी जी ने एक मंत्र दिया कि सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास। ब्रिजेश जी, आप पत्रकारिता में अपना एक मजबूत मुकाम बनाए थे और काफ़ी दिनों से आप भाजपा में हैं, और ये आजमगढ़ कब तक
सपा का गढ़ माना जाएगा? देखिए, लोकतंत्र में कोई गढ़ नहीं होता किसी का, और जो सत्ताएं होती है ना वो जनता की इच्छाओं का गुलाम होती है। तो इसलिए ये जिनको अगर ये भ्रम है कि ये समाजवादी पार्टी का गढ़ है, वो भ्रम जल्दी टूट जाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में बहुत अभूतपूर्व सफलता प्राप्त करने जा रही है और सारे गढ़ और दुर्ग चूर होने जा रहे हैं, टूटने जा रहे हैं। 8 बार दुर्ग यादव विधायक रहे हैं, इसमें विकास के क्या मायने रखते हैं कि जो उनके द्वारा विकास किए गए, और आपको क्या लग रहा है कि सदर में जो सीट है इस बार भाजपा ले जाएगी कि आज 9वीं बार भी विधायक दुर्गा यादव ही होंगे? देखिए, दुर्गा यादव जी ने इस सदर विधानसभा में कोई ऐसा विकास का काम नहीं किया है, वो खुद नहीं गिनवा पाएंगे कि उन्होंने कोई विकास का काम किया हो ऐसा जिसके लिए जनता उनको वोट दे। ये जरूर है। अच्छा, एक चीज मैं ये भी बता दूं, वो अपराजित योद्धा नहीं है, वो पहले भी चुनाव हार चुके हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो एकदम अजेय हैं, अपराजित हैं। वो हारेंगे और इस बार चुनाव हारेंगे, क्योंकि जनता ने ये मन बना लिया, पूरा संकल्प बना लिया है, और हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे नेता हैं आदरणीय अखिलेश मिश्रा जी, वो लगातार 5 सालों से जनता के सुख दुख में उनके साथ खड़े रहे हैं, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उन्होंने काम किया है। इसलिए इस बार सदर विधानसभा की सारी जनता उनके साथ खड़ी है, और आप देख रहे होंगे जिस तरह से हुजूम उनके साथ उमड़ रहा है, हमको पूरा भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी सदर विधानसभा पे कमल खिलाने जा रही है। और विधानसभा जो 10 विधानसभा से, हमारी 10 विधानसभाओं में बहुत जबरदस्त जनता का समर्थन मिल रहा है, और हर जगह हम लड़ाई में हैं, आप देखेंगे, और परिणाम बहुत ही अप्रत्याशित होंगे, जिसकी कल किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। आपको यह नहीं लग रहा है कि जितनी पार्टियां हैं, जितने भी दल हैं, मुद्दों से भटक गई हैं? कभी आतंकवाद के मुद्दे, कभी नाना प्रकार के ऐसे ऐसे मुद्दे उठ जाते हैं जिस पर बहुत कंट्राडिक्टरी हो जाता है। हर दौर में मुद्दे उठते रहते हैं, और ये समाज है, समाज चिंतन करता है मुद्दों पे, ठीक है, और उन मुद्दों को लेकर के ही राजनीतिक दल अपनी राजनीति करते हैं, ठीक है, लेकिन वो मुद्दे सकारात्मक होने चाहिए, वो मुद्दे विकास के मुद्दे होने चाहिए। आप देखेंगे जब से भारतीय जनता पार्टी हमेशा, जैसा कि अध्यक्ष जी ने भी बताया, कि शुरू से ही राष्ट्रवाद और विकास के मुद्दों को लेकर के चलती रही है, और लगातार इस दिशा में जब से मोदी जी आए, आपने देखा होगा कि विकास के वो लोग जहां एकात्म मानवतावाद की बात की थी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने, तो उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने हर घर में शौचालय पहुंचाया, हर घर को मकान, हर व्यक्ति को मकान दिया, हर व्यक्ति को, निर्धन व्यक्ति को उस राशन पहुंचाया, महीने में 2-2 बार हम राशन दे रहे हैं। तो इस तरह से हर जो गरीब आदमी था, अंतिम पायदान का आदमी था, उसको उसका विकास करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है। भाजपा नेताओं को, जो आपके हाई कमान है, बड़े नेता हैं, आतंकवाद का मुद्दा उठा रहे हैं, और कहा जा रहा है कि जो आजमगढ़ में जिस आरोपी को सजा हुई है उसके रिश्ते अखिलेश से हैं, और इससे भी आजमगढ़ की एक बदनामी हो रही है, तो आप इस मुद्दे को कैसे देख रहे हैं? बात बदनामी की नहीं है, बात जो सच है उसको तो मानना पड़ेगा। कौन नहीं जानता है कि समाजवादी पार्टी में थे जो आतंकवादी था, उसके पिता समाजवादी पार्टी के सदस्य थे, ये तो सारे लोग जानते हैं। तो ये कोई भारतीय जनता पार्टी कोई प्रोपेगेंडा या झूठ तो नहीं बोल रही है, ये तो सच बात है ना कि जो आतंकवादी था वो समाजवादी पार्टी से उसका पिता जुड़ा हुआ था, उसका परिवार जुड़ा हुआ था। और जहां तक बदनामी की बात है, इस देश की बदनामी हो रही है आतंकवाद के मुद्दे पे, इस देश का नुकसान हो रहा है आतंकवाद के मुद्दे पे, तो आतंकवाद के मुद्दे पे अगर भारतीय जनता पार्टी आतंकवाद खत्म करना चाहती है तो यहाँ कहाँ की गलत बात है ये? आप सभी लोग स्टूडियो में आए, मैं अध्यक्ष जी को, सूरज जी को, ब्रिजेश जी को धन्यवाद देता हूँ, और अब कितने दावे आपके सत्य होंगे, क्या सच्चाई होगी चुनाव में, क्या किस परिणाम किधर जाएगा, ये तो 10 तारीख के बाद मालूम हो जाएगा। फिर हम 10 तारीख के बाद फिर बैठते हैं, फिर आपस में इस बात पर डिस्कस की जाएगी। इसके पहले आप लोगों को सबको मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग स्टूडियो में आए, और आप लोगों का सादर आभार, धन्यवाद। बहुत बहुत आभार।